गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ये हम लोग प्लास्टिक डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिक जो हमारी टॉपिक्स चल रही है, प्लास्टिक के रिकॉर्डिंग चल रही है, जो बेस चल रहा है, जो मटेरियल चल रहा है प्लास्टिक मटेरियल। तो कल के जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था ना, पीछे जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे, डिफिनेशन डिस्कस हो गया था प्लास्टिक का, मेथड ऑफ मोल्डिंग प्लास्टिक्स हो गया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक भी हो गया था। अब नेक्स्ट लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रॉपर्टी, पहला कौन है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकली को डिफाइन करेंगे, फिर केमिकल को डिफाइन करेंगे। प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय बाय देयर वेरियस फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी कई कैरेक्टर है, तो मैक्सिमम मैं सोचा इतना ही आपको बता दूं क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई भी चीज ऐसी जो वर्क है फिजिकली वर्क होता है, जो फिजिकली प्रोसेस होता है, भौतिक जो रूप से होती है, उसको क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं उनको क्या होता है। प्लास्टिक क्लासिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कई तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया, विभाजन किया गया है। तो देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सच एंड हार्डनेस। हार्डनेस फिजिकली चीज ही है ना, अगर कोई मटेरियल हार्ड है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल बिहेवियर इसको उसका बता रहा है, मतलब हार्डनेस है। डेंसिटी है, घनत्व तो होती है, किसी भी मटेरियल में डेंसिटी घनत्व तो होती है ना, उसकी ठोस कब होगा, जब उसकी एक एक पार्टिकल काफी घनत्व होगी, या तो फिर मतलब जो पार्टिकल जो आते हैं ना वो दूसरे से कितना क्लोज है, डेंसिटी मतलब जितना क्लोज है उतनी ज्यादा डेंसिटी उसकी रहेगी। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है जबकि गैस की डेंसिटी कम होती है, तो यही हमारा ये डेंसिटी से क्या है, डेंसिटी से रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब क्या होता है, तनाव सुना है आपने, तनाव सुना होगा, तनाव मतलब स्ट्रेस, मतलब कहीं कहते हैं हमारे इस पे तनाव बहुत ज्यादा है, मतलब से तनाव सहने की क्षमता, तनाव सहने की क्षमता उसमें क्या है ज्यादा, मतलब तनाव सहने की क्षमता उसमें है। जब प्लास्टिक खींचते हैं ना, जो जब प्लास्टिक खींचते हैं तो खींच जाती, टूटती नहीं है वो, खींचती चली जाती है, मतलब एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि जितनी लिमिट में खींच देंगे उतना चला, मतलब खींचते जाएंगे, खींच जाएगी प्लास्टिक। वही अगर कांच रहेगा या ग्लास रहेगा तो क्या करेगा, टूट जाएगा। लकड़ी रहेगी तो क्या खींचेगी नहीं, वो टूट जाएगी। पेपर भी रहेगा अगर खींचेगा तो फट जाएगा, वो खींचेगा नहीं, बट प्लास्टिक का भी है वो खींच जाती है। तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस टू हीट,
देखिए पहले बहुत सी प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे जो टेम्परेचर थोड़ा सा भी टेम्परेचर है तो पिघल जाएंगे, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती है जिसको ज्यादा टेम्परेचर भी देंगे ना तो जल्दी गलती नहीं है, तो वो तो उसके अपने कार्य के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ना। हमारा कैसा काम है, हमें कहाँ किस टेम्परेचर की जरूरत है। अगर थोड़ी बहुत जैसे ये पॉलिथीन बैग होती है, जैसे हम सब्जियां या कोई मार्केट से मटेरियल लेके आते हैं, उसके थोड़ा सा अगर हीट अगर ज्यादा रहेगा तो जल जाता है। लेकिन कई ऐसे भी बॉटल्स आते हैं प्लास्टिक बॉटल जिसमें गर्म टेम्परेचर, तब उसका टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर पे भी इसको रख देंगे तो जल्दी गले पिघल देगा नहीं। तो उसमें कौन ये भी रहता है कि आप कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल उसमें हम मिक्स किए उसको प्लास्टिक को बनाने के लिए। तो ये तो था रेजिस्टेंस टू हीट, मतलब ये जो हमारी थी सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी प्लास्टिक की। अब सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो केमिकली प्रेजेंट है, जो प्रोडक्ट इसमें केमिकल के रूप में प्रेजेंट है, जो केमिकल बिहेवियर बर्ताव कर रहे हैं उनको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। प्लास्टिक इंक्लूड इंक्लूड्स मटेरियल कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एंड सल्फर। इट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल इन्वॉल्व हो, मतलब केमिकल की मौजूदगी में वो वर्क हो रहा है, जिसकी मतलब सारी प्रक्रियाएं केमिकल्स के द्वारा हो रही है। प्लास्टिक इंक्लूड्स मटेरियल्स कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड सल्फर। मतलब क्या है, इतनी सारी चीजें इसमें गैसें उसमें जो है केमिकली प्रेजेंट है, केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है, तो उस केमिकल की वजह से और भी चीजें रिएक्शन होती है, स्ट्रेंथ देती है, वाइटिलिटी देती है। तो केमिकल ऐसा नहीं कि तो फिजिकल अपीयरेंस जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वही सफिशियंट है इसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टी भी जरूरी है। अब केमिकल रिएक्शन ही नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल चीज नहीं यूज होंगे तो बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक में अपने चिप्स या कुरकुरे सब देखे तो प्लास्टिक में पैक रहते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन गैस रहते हैं और सब मतलब कंपोनेंट जैसे CO2 रहते हैं तो रखा जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो। तो अगर सोच लीजिए प्लास्टिक मटेरियल भी कुछ ऐसे तरह के मटेरियल बन रहा है जो इस मटेरियल से रिएक्ट करके उस मटेरियल को खराब कर देगा, ये भी तो कंडीशन होती है ना कि अगर मैंने क्या कर रहा है, अगर लोहे को पानी में रखे हैं तो पानी से रिएक्शन करके वाटर से रिएक्शन करके जो लोहा होगा उसमें जंग लग जाएगा तो यूजलेस हो गया हमारा, तो हमारा जो रखने का मैटर तरीका तो खराब हो गया। तो वही सेंटर हमारे साइंटिस्ट है, वो ऐसा मटेरियल डेवलप किया उन्होंने कि उसमें रखने से वो मटेरियल खराब ना हो। बहुत किसी चीज की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट तक खराब होती है, डेट अगर लिमिट दी हुई कि इस डेट तक चले तो तब तक वो चलते रहे, ऐसा नहीं उससे पहले खराब हो जाए। तो उस तरह की
कैंडल जैसे ही लीड होती है ऐसे कैंडल हम उसमें मिक्स किए करते हैं। तो ये इमारती केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही और इसके स्ट्रेंथ के लिए और सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जितना है फिजिकल प्रॉपर्टी। जितना फिजिकल प्रॉपर्टी का रोल है उतना केमिकल प्रॉपर्टी का भी रोल है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज तो आपने सबने देखा होगा, बट टेक्निकली टर्म में हम देख लेते हैं कि टेक्निकल टर्म इसको लिखते कैसे हैं, लिखा कैसे जाता है, बोला क्या जाता है, वो मायने रखता है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो चीजें लिख नहीं सकते क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें जब जो भी चीजें बोली अगर कोई हमसे पूछे तो कोई भी चीजें हमने हमें बोली जो टेक्निकल टर्म में बोली, ऐसे नहीं कि नॉन टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं तो हमारे और नॉन टेक्निकल में कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। यूजेस ऑफ प्लास्टिक पहला देखिए पॉइंट देखते हैं। प्लास्टिक एनेबल सस्टेनेबल ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग डिजायर एंड कंस्ट्रक्शन इन होम्स बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस देखिए पहला पॉइंट क्या था, यूजेस हम बता रहे थे प्लास्टिक एनेबल सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब किसी चीज को सह सकते हैं, सहनशीलता मिलना होता है, मतलब उसमें सहनशीलता होता है, सहनशीलता है कि नहीं, सहन करने की क्षमता है कि नहीं, उसी से रिलेटेड है। सस्टेनेबल सहन करने की क्षमता होती है, ड्यूरेबल होती है लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग होती है दोनों ही निर्माण प्रदाता एवं डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ही लॉन्ग लास्टिंग डिजाइन लंबे समय तक के लिए अगर यूज करना है तो भी डिजाइन कर सकते हैं एंड कंस्ट्रक्शन इन होम्स बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, मतलब होम चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन में भी, कंस्ट्रक्शन में इसका कहाँ पे यूज है, होम्स में है, बिल्डिंग्स में है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिज में भी है, पुल या सेतु इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं, सेतु। देखिए हमने सेतु लिखा जो पुल कई भाग बड़ी पुल बना रही है ब्रिज बनाती है वहां पर दिखे देखे तो उत्तर प्रदेश सेतु निगम या मध्य प्रदेश सेतु निगम, तो मतलब ब्रिज को हिंदी में सेतु कहते हैं, तो उसके काम आते हैं। सेकेंड ऑटोमोबाइल डिजाइन प्लास्टिक हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कॉन्ट्रीब्यूट
टू एन मैग्नीट्यूड ऑफ इनवेरिएशन इन सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड फुल एफिशिएंसी एंड फ्यूल एफिशिएंसी इन ऑटोमोबाइल डिजाइन। ऑटोमोबाइल से क्या था, व्हीकल्स अपनी गाड़ियां होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गाड़ियां जो होती हैं या उसमें प्लास्टिक का यूज है, जैसे जैसे जरूरत होती है जहां पे जिस तरह की प्लास्टिक की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक वही है जो मार्केट से जो मटेरियल लेके आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो यूज कर रहे हैं हमारे सब्जी लाने के लिए और सारी चीजें के लिए, ऐसा नहीं कि वही प्लास्टिक है। प्लास्टिक बहुत ही टफ और हार्ड भी मटेरियल भी होता है, ऐसा नहीं प्लास्टिक सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड मटेरियल भी होता है। कई तरह की प्लास्टिक होती है, जैसे प्लास्टिक होती है वैसी स्ट्रेंथ रहती है उसकी। तो किसमें है वेरिएशन इन सेफ्टी में, सेफ्टी पर्पज से भी यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी देती है एंड फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कम तेल की खपत होती है, मतलब कहीं ना कहीं से हमारा तेल की खपत को वो हमारा बचा रहा है, इसलिए कह रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक्स पैकिंग हेल्प्स प्रिजर्व गुड बायो उर्स बायो बाय रिड्यूसिंग वेट इन ट्रांसपोर्टेशन with safe tools and it reduces greenhouse gas emissions. ये देखिए हमारे होती है प्लास्टिक की। नेक्स्ट जो हमारा प्लास्टिक पैकिंग हेल्थ प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व गुड्स वाइल रिड्यूसिंग वेट इन ट्रांसपोर्टेशन। आप सोच लीजिए अगर किसी मटेरियल को हमें कहीं पहुंचाना है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उसको मैंने क्या किया स्टील के डिब्बे में या टीने के डिब्बे में किसी डिब्बे में उसको क्या किया लकड़ी के कार्टून डिब्बे में मैंने इसको पैक करके करके ही भेज दिया, तो क्या हुआ उसका वेट ज्यादा था, वेट ज्यादा होने की वजह से लोड तो गाड़ी पे पड़ेगी, गाड़ी पे जब लोड पड़ेगी तो ज्यादा तेल लेगा, ज्यादा तेल लगेगा ना, क्योंकि हो सकता है मटेरियल तो वेट ना हो जाते लेकिन बॉक्स जो जिस बॉक्स हमने रखे हो सकता है उसका वेट ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या हुआ मटेरियल का तो वेट कम ज्यादा हो गया, जो मतलब जो ट्रक की कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से ज्यादा जा रही है, वेट हो गया है, जब ज्यादा वेट हो गया तो तेल ज्यादा लगेगा। तो उस कंडीशन में अगर हम प्लास्टिक का यूज करेंगे तो प्लास्टिक का लाइट वेट रहती है, हल्का वजन रहता है प्लास्टिक का, लोहे के लकड़ी के अपेक्षा जो प्लास्टिक का वेट रहता है ना बहुत कम रहता है। तो उस वजह से क्या हुआ हमारा तेल भी बचेगा हमारा और जो ग्रीन रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस मिशन जो गैस मिशन होता है उसको
कम करता है। फ्यूल अगर जाते हो जलेगा तो ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ज्यादा पॉल्यूशन होगा ज्यादा डिजीज होगी। तो हमारे क्या करता है, अगर लोड कम है तो कम फ्यूल लगेगी, कम ईंधन लगेगी, ईंधन कम लगेगा तो जो पॉल्यूटेड गैसें हैं, जो प्रदूषित गैसें हैं कम निकलेंगी, तो हमारा फिर वातावरण भी शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट फॉर्म कंप्यूटर्स है, सेलफोन, सेलफोन टू टेलीविजन है, माइक्रोवेव्स, ड्यूरेबल लाइट वेट, विच इज ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। देखिए क्या करता है कंप्यूटर का बनने में वर्क आता है। कंप्यूटर जो चीजें कंप्यूटर रहती है या टेलीविजन रहती है, मोबाइल रहती है, सारी किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी होती है। ये क्या होता है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है और ड्यूरेबल होता है, ज्यादा समय तक चलता है, इसमें जंग वंग लगने वाली समस्या नहीं आती है कि एक बार टीने लोहे का बना के स्टील का तो जंग लग जाएगा। और लोहे का जो भी इक्विपमेंट जो बनता है काफी वजन होता है, कैरी करने में उसको दिक्कत होगी, जो फाइबर का ये प्लास्टिक का अगर रहेगा हर कोई बंदा आसानी से लिफ्ट कर सकता है, यहाँ से वहां ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्लास्टिक हेल्प मेक स्पोर्ट सेफ्टी गियर है, सच है प्लास्टिक माउथ गार्ड, गोगल एंड गोगल्स। Used for manufacturing toys. Plastic help making sports safety के लिए, अगर sports safety equipment अगर बना रहे हैं उसके लिए भी plastic की जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे helmets, mouth guard, mouth पे अगर guard यूज करते हैं mouth guard safety के लिए, अगर racing उसमें आपने देखा होगा तो माउथ गार्ड हो गया, और उसके बाद क्या होता है गोगल्स होता है, गोगल्स स्विमिंग करते जाते हैं, स्विमिंग की जब स्विमिंग करते हैं तैराक, हमने तैराकों को देखा होगा जब तैराकी करते हैं वो भी ग्लासेस पहनते हैं, प्लास्टिक ग्लासेस ही रहती है। और लास्ट क्या है, ये स्वयं मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, टॉयज मतलब खिलौने, जो प्लास्टिक खिलौने आपने मार्केट में देखे काफी आकर्षित रहता है, खुद अपने तरफ बहुत आकर्षित करता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे टॉयज रहते हैं, खिलौने रहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं प्लास्टिक की। और इस प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेज है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के इतना ही यूजेज है, तो बस हम उतना ही आपको बता रहे हैं जितनी आपके लिए जरूरत है। तो ये तो सारे हमारे टॉपिक की आज की, और नेक्स्ट जो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।